अर्जुन बिजलानी अभी नजर आ रहे हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में, और साथ ही जो है अर्जुन बिजलानी ने एक वीडियो भी शेयर किया था हम सभी के साथ व्हाइल ही वाज वाचिंग हिमसेल्फ द एपिसोड्स ऑफ खतरों के खिलाड़ी, कि किस तरीके से उनके बेटे अयान बहुत अम्यूज हो रहे थे एंड ही वाज आल्सो डिसगस्टेड एट अ फ्यू थिंग्स एट द सेम टाइम। तो वहीं अब वो बता रहे हैं कि उनकी खतरों के खिलाड़ी करने की एक मेजर वजह उनके बेटे थे जिसके लिए वो सुपर हीरो बनना चाहते हैं। क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। वी ऑल नो खतरों के खिलाड़ी में खतरों से खेलना पड़ता है और उसके लिए जो है आपको अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों का ही कहीं ना कहीं यू नो यू हैव टू शो दैट ऑन द प्लेस ऑन द पॉइंट, ताकि आप जो है खतरों से खेल पाए। ऐसे में खतरों से खेलना जितना फिजिकल काम होता है उतना ही मेंटल काम होता है, एंड दैट मेक्स यू अ हीरो इफ यू सक्सीड इन एनी स्टंट दैट यू डू ओवर देयर। जिसके बाद अर्जुन बिजलानी कह रहे हैं कि ऑब्वियसली फैमिली को 45 डेज के शूट के लिए छोड़ के जाना, वो भी पैंडमिक के बीच में, मेरा एक छोटा सा बेटा है 6 साल का, तो मुझे टेंशन तो हो रही थी, बट आई वॉन्टेड टू डू दिस शो फॉर माई सन अयान एंड ऑल्सो फॉर माई फैंस। मैं इन दोनों का ही हीरो बनना चाहता था, एक रियल लाइफ आइडल बनना चाहता था, और मैं बेटे अयान को तो काफी हद तक इंस्पायर करना चाहता था कि यू कैन कॉन्कर एनीथिंग इफ यू हैव दैट फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ विद इन यू। तो खतरों के खिलाड़ी में वो कह रहे हैं कि मैंने कई सारे स्टंट्स किए हैं और मेरे यही इच्छा रही है और यही कोशिश रही दैट आई डू नॉट अबॉर्ट एनी स्टंट, क्योंकि फिर पॉइंट क्या रह जाएगा अगर आप खतरों के खिलाड़ी में गए हैं और स्टंट्स आपने पूरे ट्राई भी नहीं किए, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ बींग देयर। और वहीं वो बता रहे हैं किस तरीके से उनके लिए हार जीत मैटर नहीं करती थी, बट द जर्नी दैट वॉज सो ब्यूटिफुल सो वंडरस, उनको जो है फ्रेंड्स मिल गए, रोहित शेट्टी के साथ काम करने का मौका मिल गया, दिस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी विनिंग और लूजिंग स्टेटमेंट। तो भाई अर्जुन बिजलानी की इन बातों को सुनकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।